यूपी के बुलंदशहर में भी कोरोना का कहर जारी है। जनपद में आज कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां मरीजों की संख्या बढ़कर अब 52 हो गई है। पॉजिटिव आए 11 मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर से कोविड L1 हॉस्पिटल चिट्टा में भर्ती कराया जा रहा है। इसकी पुष्टि बुलंदशहर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई है। दरअसल बीती 20 अप्रैल को 164 लोगों के सैंपल जांच के लिए गोरखपुर की प्रयोगशाला भेजे गए थे, जिनकी आज आई रिपोर्ट में 2 महिलाएं पॉजिटिव पाई गईं, जो एक ही परिवार की हैं, जबकि 162 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो वहीं 23 अप्रैल को भेजे गए 52 लोगों के सैंपल की आज आई रिपोर्ट में 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 43 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। पॉजिटिव आए मरीजों में 2 सिकंदराबाद के रहने वाले हैं, जिसमें एक महिला शामिल है। इसके अलावा 6 बुलंदशहर नगर के और 1 बीबी नगर का निवासी है। कुल मिलाकर बुलंदशहर में अब तक 52 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से एक शिकारपुर के डॉक्टर की मौत हो चुकी है और जबकि 5 लोग ठीक हो चुके हैं। बुलंदशहर प्रशासन की ओर से उन सभी इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर सील किया जा रहा है, जहां कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि देश भर में अब तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28,000 के पास पहुंच चुका है, जबकि 872 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी के बुलंदशहर में आज 11 लोगों की और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। बुलंदशहर में कुल मिलाकर कोरोना मरीजों की संख्या 52 तक पहुंच गई है। ये वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि गोरखपुर भेजी गई 164 लोगों की रिपोर्ट में से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि 162 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके अलावा नोएडा भेजी गई 52 लोगों की रिपोर्ट में से 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 43 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और जनपद भर के कई इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। Time24 न्यूज़ भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज़, बुलंदशहर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।